आदित्यों की महिमा। और हे आदित्यों के साथ रहने वाले मरुदगण, इंद्र अविता भूतु हमारे शरीर की रक्षा करें। हे अत्वाय, देवों ने असुरों को मारकर यदा आयन जब आए तब देवों ने अपने देवत्व की रक्षा की। सुचिभिः प्रत्यञ्चम अर्कम अनयन, अपनी शक्तियों के साथ वे सूर्य को इधर लाए। आत इत इसराम स्वधाम पर्यवसन, इसके पश्चात प्रिय स्वधा को उन्होंने देखा। इससे देवों से रखे हुए बल को उन्होंने प्राप्त किया। अच्छे पुत्र पौत्रों के साथ 100 वर्ष आनंद से रहे। दानी मनुष्यों के लिए जो अकेला ही धन देता है, हे प्रिय, वही किसी से पराजित न होने वाला ईश्वर इंद्र ही है। हे अंग प्रिय, कब दान न देने वाले मनुष्यों को पांव से खैरव की तरह दबा देगा। न इंद्रह इंद्र कब हमारी स्तुतियां सुनेगा। या चित ही जो कोई बहुतों में से तेरी सेवा करता है, तब उस उग्र इंद्र पत्यते, तब उस बल का स्वामी यह इंद्र होता है। हे इंद्र, जो तेरा सोमपान करने से बलशाली आनंद प्रकट होता है, जिससे तू खाने वाले शत्रुओं को मारता है, उस सामर्थ्य की हम मांग करते हैं, जिससे दशग्व अधिग्र की कंपानी प्रकाशक के नेता वीर तथा जिससे समुद्र की सुरक्षा की वह सामर्थ्य हम मांगते हैं। हे प्रिय, किसी से पराजित न होने वाला ईश्वर इंद्र ही है। हे अंग प्रिय, कब दान न देने वाले मनुष्य को पांव से खैब की तरह दबा देगा। शुभ्रवत इंद्र हमारी स्तुतियां सुनेगा। बहुतों में से एक सोमयाग से तेरी सेवा करता है, तब उग्र बल का स्वामी यह इंद्र होता है। हे इंद्र, जो तेरा सोमपान करने से बलशाली आनंद प्रकट होता है, जिससे तू खाने वाले शत्रुओं को मारता है, वह सामर्थ्य ही हम मांग रहे हैं, जिसके दशग्व अधिक गुण की बेपयंतम स्वनरम शत्रु को कपाने प्रकाश के नेता वीर तथा जिसके समुद्र की सुरक्षा की वह सामर्थ्य हम मांगते हैं, जिससे सिंधु तथा जल प्रवाहों को रथों के समान सत्य के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित किया, उस शक्ति की मांग हम करते हैं। हे इंद्र, हमारे यज्ञ की हमारे शरीरों को प्रजाओं को समर्थ बनाता है। इंद्र हमारे शरीरों का संरक्षक है। असुरान हत्वाय देवत्वम अविरक्षाणाम देवः, यदा आयन असुरों को मारकर देवत्व की रक्षा करने वाले देव जब आ गए, इससे देव रक्षक बल प्राप्त करेंगे। उत्तम बाल बच्चों के साथ 100 वर्ष आनंद से हम रहेंगे। दाता मानव के लिए वह अकेला ही इंद्र धन देता है। वह किसी से पराजित न होने वाला इंद्र है। कब दान न देने वाले मानवों को पांव से वह दबाता है। इंद्र कब हमारी प्रार्थना सुनेगा। इंद्र उग्र बल प्राप्त करता है, जो सामर्थ्यवान आनंद प्रकट करता है, जिससे खाने वाले शत्रुओं को वो मारता है, वह बल हम मांग रहे हैं, जिससे सत्य मार्ग पर जाने की प्रेरणा वह लोगों को देता है, वह बल हम मांग रहे हैं। हे इंद्र, हमारे पास आ, हमें प्रिय हैं, और तू सदा जीतने वाला छिप कर न रहने वाला पर्वत के समान चारों ओर पुष्ट द्योलोक का पति है। सच्चे सोम को पीने वाले इंद्र, ओभे रोदस अविबभूत ही तुम दोनों द्यु और भूलोकों को पराजित करते हैं। हे इंद्र, तू द्योलोक का पति है, सोम याग करने को बढ़ाने वाला है। हे इंद्र, तू शत्रु के सारे किलों को तोड़ने वाला है, शत्रुओं को मारने वाला, मनुष्यों को बढ़ाने वाला और द्योलोक का पालक है। हे अर्घ्यु, मधुर सोमरस के अधिक मीठे भाग को इसमें डाल। सदा सहायक होने वाला वीर इंद्र इसी तरह प्रशंसित होता है। हे घोड़ों के स्वामी इंद्र, तेरी पुरानी स्थिति को कोई नहीं पा सकता, न भलाई से पा सकता है। यश चाहने वाले हम सतत चलने वाले यज्ञों से बढ़ने वाले तव वाज नाम पतिम, उस बलों के स्वामी इंद्र को हम बुलाते हैं। इंद्र देवता के ये गुण इस सूक्त में कहे गए हैं।
इंद्र सबको प्रिय सर्वदा विजयी छिप कर न रहने वाला चारों ओर से पुष्ट देवलोक का स्वामी है। आद्य गोहिया किसी तरह छिपकर न रहने वाला सदा प्रकट होने वाला इंद्र है। जो सदा बढ़ने वाले वीर हैं उसकी ही प्रशंसा होती है। घोड़ों का रक्षक इंद्र है, घोड़ों की पालना करने की विद्या वह जानता है। सोम याग करने वाला धनयुक्त घर को प्राप्त करता है। सोम याग करने वाला ही शत्रुओं को दूर भगाता है, देवों के शत्रुओं को दूर करता है। सोम याग करने वाला शत्रुओं से घिरा न जाता है, बलवान बनकर सहस्रों प्रकार के धनों को जीतना चाहता है। इंद्र सोम याग करने वाले को बहुत धन देता है। जो दुष्तर कर्म है वह हम में स्थापित करो, जो दुष्प्राप्य है वह हम में स्थापित रखो। अग्नि को मैं होता मानता हूँ, बल का पुत्र उत्पन्न हुए को जानने वाला ज्ञानी विशेष प्राज्ञ जैसा हुआ है। जो ऊंचे देवी सामर्थ्य से युक्त उत्तम यज्ञ करने वाला देव है, हवन किए गए घी के तेज से घी की तेजस्विता को प्राप्त करता है। यज्ञों में लगे हुए अष्टभी चित कवरी घोड़ियों पर बर्छियों के साथ बैठकर जाने वाले आभूषणों में शोभने वाले और प्यारे मित्र हे भरत के पुत्रों, हे दिव्य नेताओं, आसन पर बैठकर पोता के पात्र से सोम रस को पियो। देवों को यहाँ लाओ, ज्ञानी उनका यजन करें और होता तीनों स्थानों में बैठें। तैयार किए गए मीठे सोम का स्वीकार कर आग्निग्य पात्र से सोम पी, तव भागस्य तुष्य ही अपने भाग से तृप्त हो। यह वह तेरे शरीर का पौरुष बढ़ाने वाला है। बल और सामर्थ्य सदा तेरी बाहुओं में रखा है। हे धनवान इंद्र, यह सोमरस तेरे लिए निकाला है, तुम्हारे लिए भर कर रखा है। इस ब्रह्मा के पात्र से तू तृप्ति होने तक पी। जिसको मैंने पहले बुलाया था तम इदम हुए, उसको इस समय बुलाता हूँ, वही बुलाने योग्य है। वह दाता है, वह प्रसिद्ध रीति से शासन करता है। अर्घ्यों से वह मधुर सोमरस पे तैयार करता है। धन के दाता ऋतुओं के साथ पोता के पात्र में सोम पी। देखो अथर्व, ज्ञानी अपराजित के पास जा, ज्ञानी इंद्र से पूछ जो तेरे मित्रों में श्रेष्ठ है। हमारे निंदक बोले कि अन्यतः चित्तम निआरतः, वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम इंद्र में भक्ति रखते हो। हे दर्शनीय, मनुष्य तथा शत्रु भी हमें सौभाग्य वाले कहें तथा हम इंद्र के ही आश्रय में रहेंगे। यज्ञ की शोभा बढ़ाने वाले, वीरों को आनंदित करने वाले, गति कराने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले इस तेजस्वी सोम को तेजस्वी इंद्र के लिए भर दे। हे सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्र, इस सोम को पीकर व्रतों को तू मारने वाला हुआ। अब संग्रामों में योद्धा की रक्षा कर। सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्र, वाजेश उस तुझको संग्राम में बलवान बनाते हैं। हे इंद्र, घनानाम साते घनों के दाने के लिए हम करते हैं। जो घनों का बड़ा रक्षक है, सोम याजी का दुख से पार करने वाला मित्र है, उस इंद्र के लिए मंत्रों का गान करो। हे स्त्रोतों के गाने वाले मित्रों, आओ बैठो, इंद्र का गायन करो। घनीयता में घनी स्वीकार करने योग्य वस्तुओं के स्वामी स्त्रोतों को स्वीकार करो। सोम रस तैयार होने तक गति रहो। और स घ न योगे वा भवत, वह हमारे उद्योग में साथ रहें, वह धन में तथा वह बड़ी महत्वाकांक्षाओं में हमारे साथ रहें, वह शक्तियों के साथ हमारे पास आ जाएं। शत्रु युद्धों में हरि न व्रणते, जिसके जीते घोड़ों नहीं रोक सकते। तस्मै इंद्राय गायत, उस इंद्र के गीत गाओ। मिलाए हुए शुद्ध चमकते हुए सोम रस सोम पीने वाले इंद्र के भोग के लिए जाते हैं। शूद्रणों को भी तोड़ने वाले और उठा ले चलने वाले मरुतों के साथ रहने वाले इंद्र, गौओं के गुहिया में तूने प्राप्त किया, देवताओं की भक्ति करने वालों की वाणियों ने तुम्हें प्राप्त किया और तेजस्वी द्यूलोक से आ, यहाँ हमारी स्तुतियाँ उत्तम रीति से चल रही हैं।
इंद्र से धन मांगते हैं। देखो अथर्व उग्रवीर इंद्र वीरता के संरक्षण से सहस्त्रों प्रकार के धन जिसमें मिलते हैं उन युद्धों में हमारी रक्षा कर। इंद्र को हम बड़े वेग संग्राम में, इंद्र को छोटे युद्ध में भी सहायतार्थ बुलाते हैं। व्रतों को वज्र से मारने वाले इंद्र को हम बुलाते हैं। हे सदा हमारी रक्षा करने वाले इंद्र, हमारे लिए इस भोग को खोल दें।